में मेरे परिवार ने मुझे घर से निकाल दिया, मैं घर पे जो है कभी नहीं जाऊंगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? आशा करते बहुत ही अच्छे होंगे। अभी हो चुका है मॉर्निंग का टाइम, हल्की हल्की धूप निकल चुके हैं। हम आए औरैया में, जिला उत्तर प्रदेश में। जैसा कि आप लोगों ने कल वाला ब्लॉग देखा था कि हम दिव्यापुर वाटर पार्क में एकदम स्नान करने के लिए गए थे, कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और मंगला काली माता जी का मंदिर है, यहाँ पे हम आशीर्वाद लेने आए कि हमारा 2 मिलियन इंस्टाग्राम पे हमारा फैमिली कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जब हम आए थे उस टाइम हमारा 1 या 2 लाख भी नहीं था, 30,000 था लगभग, आप लोगों को पता है ना, 30-40,000 था। जब 1.5 मिलियन हो गया तब आए यहाँ पे, मतलब माता जी का आशीर्वाद लगता है फिर दोबारा दर्शन करने के लिए। जब यहाँ से जाए तो अपने मेहनत के रंग में 3 मिलियन करके आए यहाँ पे। हो जाएगा कि नहीं होगा? सभी लोग गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों अभी का सीन कुछ है, जस्ट अभी कपड़ा वगैरह चेंज किए क्योंकि वहाँ पे हम रील शूट कर रहे थे सामने में, एकदम खंडर वाली जगह, बहुत खूबसूरत है। और ये देख सकते हो आप लोग, मंगला माता जी का मंदिर, दर्शन कर लो आप लोग। तो भाई जस्ट अभी हम लोगों ने मंगला काली मंदिर पे ना माता जी के यहाँ पे वीडियो वगैरह हमने शूट किया था, और सावन चल रहा है तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग मेला लगा हुआ है। महाकालेश्वर मंदिर लिखा हुआ यहाँ पे, लेकिन मंगला काली नाम है। देवकली मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं हम लोग आज से ठीक 1-1.5 साल पहले, है ना, 1.5 साल पहले हम यहाँ पे आए हुए थे। सावन लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, सामने मंदिर है, काफ़ी सारे श्रद्धालु जाते हैं वहाँ पर दर्शन करने के लिए। चलिए आप लोग भी इसके अंदर जूस पहले से पड़ा रहता है क्या भैया? आप लोग ऑर्डर करो, कौन सी भाई? 10 रुपये हम लोग धूप में ना वीडियो शूट करते करते गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा उमस पड़ रही है। घूम भी रहे अपना साथ में, जूस भी पी रहे हैं। आप लोग पीलो। यह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा मंदिर, अभी सावन चल रहा है ना तो काफ़ी लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। मेरे महादेव जी लिखा हुआ, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए दोस्तों। भाई फिलहाल दर्शन कर लिए, अब निकलते हैं कानपुर के लिए। बट अंदर क्या है ना कि कैमरा अलाउ नहीं है तो आप लोगों को दर्शन नहीं करवा पाए, आप लोग बाहर से कर लो। सावन चला ना, बहुत भीड़ है इस वजह से शायद हो सकता है। तो चले हम सब, चलिए गाइस, भोले बाबा का दर्शन करके हम लोग आ चुके हैं मामी जी के घर पे अभी। और यहाँ पे देखिए, हम प्यारी सी क्यूट सी एक छोटकी सी बहना मिली है जिनके साथ अभी हमको रील शूट करना है। हम लोग अभी छत के ऊपर में हैं, सारे भाई लोग हैं। इनका नाम क्या है? जॉनी। ये बिल्कुल मेरे जैसे सेम दिखते हैं, बताना आप लोग जरा, है ना। अगर दोनों भाई अगर डांस करेंगे तो छत टूट जाएगी। आपको बिहाइंड द सीन देखने को मिलेगा, अभी देखिएगा आप लोग। गाना बजाइए जरा भैया। आप बीच में रखना कैमरा, है ना, तेरे बिना। एक बार सुनाइए गाना भैया। 3-2-1 ऑप्शन भी है। तो दोस्तों हम गए थे मामी के घर पे, आराम से मस्त खाना वाना खाए और दोस्तों के साथ मौज मस्ती किए। फिर उसके बाद हमारी छुटकी बहना क्यूट राशि का मैसेज आया कि भैया आप कहाँ पे हो, तो 3 साल बाद फाइनली मिले, कैसे हो?
मैं अच्छी हूँ पर अभी व्लॉग बनाते टाइम लग गई है। अभी मैं बताने वाला हूँ सीन क्या हुआ है कि इनके साथ फैमिली भी आई हुई है। हम भैया हम आ रहे थे कि चलो नाश्ता वास्ता कर लेंगे तो हम आराम से आएंगे, आराम वीडियो वीडियो बना लेंगे। अब बहना क्या कि मतलब बारिश का मौसम अभी तो काय वगैरह नीचे लगा रहता है, गई वहाँ पे ब्लॉगिंग करने के लिए। देखो क्या कर लिया, अभी मिलते ही पैर काट लिए है ना। तो भैया अभी इनका ट्रीटमेंट होगा अभी, और पापा आप क्या करना है, इनको सुई दिलवा देना है ना। हमको पता है कि सुई से डर लगता है लेकिन सुई दिलवा देना है ना। और ये है इनके मम्मी पापा, सबसे पहले इनको प्रणाम व्लॉग में, हालांकि मैं प्रणाम कर चुका हूँ लेकिन अच्छा लगता है ये चीज़ें। और ये रहे राजा भाई, इनसे भी मैं मिला था जब दीदी से मैं मिलने गया था दिव्यापुर उस टाइम में। तो ये सबसे अच्छी बात है कि हमारे आशीष भाई डॉक्टर साहब हैं तो कहीं जाना भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। हाँ बहुत हेल्प कर रहे हैं, तो ये दवा वगैरह लेकर के आए हैं। एक्चुअली में इनकी माता जी भी जो है डॉक्टर, हालांकि कल रात में हम मिले थे तो व्लॉग नहीं बना पाते क्योंकि रात का समय था ना, तो आपको मिलवाएंगे अभी। दोस्तों काफ़ी लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि राजा भैया आपके आपके घर वालों ने जो घर से निकाल दिया है आप घर क्यों नहीं जा रहे। तो मैं आपको बता दूं कि सच में मेरे परिवार ने मुझे घर से निकाल दिया, मैं घर पे जो है कभी नहीं जाऊंगा। मतलब ये आप लोग का ओपिनियन है, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना मतलब निगेटिव थाट रहता है कि बहुत प्रकार की बातें बनाते हैं कि राजा भैया घर क्यों नहीं जा रहे हो, घूम घूम के सिर्फ वीडियो बना रहे हो। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं सच बताऊँ अपने परिवार और फैमिली के अलावा मैं कुछ नहीं हूँ अपने जीवन में। सच बताऊँ मैं यहाँ पे आया हूँ तो कुछ काम से, वो काम हमारा हो चुका है, थोड़ा ज़मीन वगैरह भी देखना था, कुछ पैसे के उपाय से आया हुआ था तो वो भी थोड़ा बहुत हुआ, नहीं हो पाया। और फिर अपना हमने सोचा कि ब्लॉगिंग भी साथ में करते रहे, थोड़ा सा अपना घूम भी ले, और ज़्यादातर मेरा यहाँ मन भी लगता है तो इसी वजह से हम थे गाइस। और हो सकता है कल या परसों जो है हम घर के लिए निकलेंगे, हालांकि आज रात का ही टारगेट है कि आज रात में ही निकल जाए यहाँ से। लेकिन मामा जी के भी यहाँ पे मतलब थोड़ा सा उद्घाटन हो गया तो वहाँ पे रुक लिए, एक दो क्रिएटर भी आ गए मिलने के लिए तो अच्छा भी लगा। तो ये चीज़ें हैं, और भाई भी जो है कह रहे हैं कि यहीं रुक जाओ भैया, जाओ नहीं, तो इसीलिए ये सब चीज़ें हम रुके हुए हैं। तो अच्छा लगता है एक परिवार जो है ना हमारा यूपी में, कहते हैं ना कि दिल से जुड़ाव है, कि कहते हैं कि खून का रिश्ता नहीं होता लेकिन जो एक ऐसा रिश्ता होता है मन का ना, एक सम्मान का, तो मुझे यहाँ कहीं ना कहीं मुझे देखने को मिलता है और मुझे मिलता भी है, तो मैं यहाँ पर रुका रहता हूँ। और मम्मी पापा भी कहते हैं कि तुम्हारा मन लगता है तो यूपी में ही रहो, वहीं पे आप तो घर भी बनवा रहे हैं, हमारी प्यारी वाइफ भी यहीं पर रहेंगी। तो यही कारण है कि इस वजह से यहाँ पर हूँ, और फटाफट घर पर भी निकलता हूँ तो फैमिली ब्लॉग करता रहूँगा। मुझे पता है कि आप लोग चाहते हो कि हमारे मम्मी पापा छुटकी महीना से सबसे मिलो, किसका क्या हाल है, कितने देर से क्यों बाहर हो, तो ये सारा डाउट क्लियर होगा घर जाएंगे तो अच्छे तरीके से। आई होप कैसा क्या लगा आज के ब्लॉग, मतलब थोड़ा सा छोटा ही था, अच्छे से हम बना नहीं पाए क्योंकि आप लोग इतना ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, डाउट दे रहे थे, ऊपर से व्यू नहीं आ रहा है तो बहुत प्रकार की बातें हो रही है, थोड़ा बहुत सा टेंशन सा हो जाता था। बट टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, अगर हम है वीडियो बनाएंगे तो सब सही होगा ही होगा, है ना क्या भैया? हाँ भैया बिल्कुल, है ना लाइफ में। तो यही चीज़ें बस, आई होप आज के ब्लॉग के लिए इतना। चैनल में चैनल फटाफट सब से बिहार समस्तीपुर से देखिए प्रफुल सब बगल में स्टार्टी जाकर फॉलो कर लीजिए, अपना कितने निकाल के मेरा ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नेगेटिव कमेंट मत करो यार, मिल के रहो, हंसी खुशी से रहो, अच्छे से रहो, भाई को सपोर्ट करो, जहाँ से उठा के लाए हो बहुत मुश्किलें होती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो लव यू ऑल, ऐसे सपोर्ट करते रहिए बस आज की वीडियो के लिए।